لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدهته القائلون ولا يحسن ماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون अल्लीलाकू बौदमम वालताफ़त हद्द महदूद वला नु मौजूद वला अजलम ममदूद फ़तर अलखला इकाबि क़ुदरत व न शर्रया बहमत वाबिस मैदान अरव ثم الصلاة والسلام وتحية والاكرام على اشرف الانبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا وشفي ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وال محمد وال بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولانه الله على اعدائهم اجمعين من يومنا هذا الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد

मुझे इस ज़िक्र ख़ैर को अंजाम देने के लिए मौका फ़राहम किया अलीरान मोहत्म खुदांद आलम अपनी महकम किताब अपनी मुबारक किताब अपनी बाबरकत किताब क़़रा मजीद मेरे मेरशाद फरमाता है कि वजद का आ एलन फ़ागना अबीब ए मेरे नबी एहा अ यासिन ए मजम्मिलदसर जब हमने आपको तंगदस्त पाया फ़ागना बस हमने आपको गनी बनाया अदी दान मोहतरम खुदा वंदम ने जब नबी को तंगदस्त पाया तो नबी को ग़नी बनाया आखिर नबी को ख़ुदा आलम ने गनी बनाया तो वो कौन सा माल था किस माल के ज़रिए से खुदा वंदे आलम ने नबी को गनी बनाया तमाम मुफसरन ने अपनी किताब में इस बात को नक़ल किया है कि खुदा वंदे आलम ने जनाब ख़दीयतलक़ब्र सलामल आल के माल के ज़रिए से अपने हबीब को गनी बनाया और यही वजह है कि नबी अकरम ने इरशाद फरमाया है कि खदीजा का माल खुदा का माल है अजीज़ान दान मोहतरम नबी अकरम जनाब खदीजा की फजीलत बयान कर रहे हैं और फजीलत में इरशाद फरमाते हैं जनाब रसूल ख़ुदा कि ये वो रसूल है कि जिसके बारे में ख़ुद क़ुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि वमा यंतको अनिल हवा हुआ इन, हुआ इन हुआ इल्ला वही यूहा के मेरा नबी उस वक्त तक कलाम ही नहीं करता कि जब तक उसके ऊपर वही खुदा नाजिल ना हो जाए तो अजीज़ान मोहतरम अब यहाँ के ऊपर नबी जो जनाब खजीरतुल्कुब्रा की फ़जीलत बयान कर रहे हैं ये नबी खुद अपने से अपने सेख नबी जनाब खदीजतब्रा की फजीलत बयान नहीं कर रहे हैं बल्कि हुक्म खुदा है नबी उसको अंजाम दे रहे हैं नबी क्या इरशाद फरमाते हैं नबी इरशाद फरमाते हैं जनाब खदीतुल्कबरा के सिलसिले में कि जनाब खदीजतल्कबरा कामिल तरीन खातून का नाम है जनाब खदीजा इंसानों के लिए औरतों के लिए नमून अमल हैं और जनाब खदीजतलक़ब्रा के फ़वाद हद कमाल तक पहुँचे हुए हैं इंसान कभी भी जनाब खदीजतुलबरा की फजीलत को दर्क नहीं कर सकता इसलिए कि जनाब खदीजतुल्कबरा उस फजीलत के ठाठे मारते हुए समंदर का नाम है जिसकी गहराइयों को इंसान दर्क नहीं कर सकता इसलिए कि खदीजा उस जात का नाम है कि जिसके बारे में मिलता है कि जमाने जाहलीत में जब लोगों को कुछ नहीं आता था लोग नहीं जानते थे अच्छी बुरी चीज़ की तमीज़ करना लोगों को तहारत और नजासत का इल्म न था उस वक्त भी लोगों ने जनाब खदीतुल्कब्रा को ताहरा कहा जनाब खदीजतब्रा को मतहरा कहा अजीजान मोहतरम जनाब उस जात का नाम है कि जिसे कायनात जनाब जन, जिसे कायनात जमाने जाहलीत में भी ताहरा के लक़ से नवाजे मतहरा कहे यही वजह है कि कि खुदा वंद आलम ने उसे शोहर भी दिया तो वो ताहिर है वो मुताहिर है उसे बेटी भी दी तो वो ताहरा दिया मुतहरा दिया जिसके बारे में खुद तहारत के बारे में खुदा वंद आलम कर्न मजीद में इरशाद फरमाता है कि इन नमा यदुल्लियवान रस्ल बैत तहर कम तहिरा अहल बैत खुदा वंद का इरादा यह है कि आपको नजासत के हर से हर नजासत से हर कसाफत से हर

वो पहली खातून हैं कि जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया जनाब तुल उस अजीम जात का नाम है कि जिसने अपनी पूरी दौलत राह खुदा में क़ुरबान कर दी जनाब खदीजतुल्कुबरा उस जात का नाम है कि जिसने सबसे पहले नबी अकरम की इक्तदा में नमाज़ पढ़ी और अजीज़ान मोहतरम यही वजह है कि एक रवायत मिलती है कि एक बीबी नबी अकरम की ख़िदमत में आई आने के बाद से कहा अल्लाह के नबी अए अल्लाह के रसूल अतिमाबी हन खुदा वंद आलम ने आपको खदीजा जैसी खदीजा से भी अच्छी खुदा वंद आलम ने आपको अजवाज़ से नवाजा है जो हसन जबाल में खदीजा से बढ़कर कर हैं तो नबी अकरम ने उस औरत की तरफ मुखातब हुए उसके चेहरे की तरफ़ देख के कहा ये तुमसे किसने कह दिया है कि खदीजा से बढ़कर भी कोई फजीलत में है नबी अकरम ने कहा कि खदीजा उस वक्त तो भी मेरा साथ दिया कि जब मेरा मोनिस हमदर्द न था खदीजा ने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मुझे मददगार की ज़रूरत थी खदीजा ने उस वक्त मेरा साथ दिया जब तमाम क्रैश के लोगों ने मेरा इनकार किया खदीजा ने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मुझे सबसे ज़्यादा मोनिस की ज़रूरत थी खदीजा ने उस वक्त मेरा साथ दिया कि जब तबलीग दीन के लिए माल की ज़रूरत थी और मेरे पास दौलत न थी मेरे पास सरवत न था मेरे पास माल न था लेकिन खदीजा ने तबलीग दीन के लिए अपनी तमाम माल को राह खुदा में क़ुर्बान कर दिया और सुनो जनाब खदीजा उस बीबी का नाम है कि जनाब खदीजा हमसे कुछ लेने नहीं आई थी बल्कि जनाब खदीजा ने अपना सब कुछ कुर्बान दीन के लिए कर दिया और अदीदान मोहतरम जनाब खदीजा उस ज़ात का नाम है कि जिसने हर एतबार से जिस एतबार से हो सका जनाब खदीतुल्कब्र ने इस्लाम की मदद की हर एतबार से चाहे वो माल के ज़रिए से हो चाहे वो खुद जाती तौर जनाबे जनाब खदीजतल्कबरा ने दीन की ख़िदमत की है और अजीजान दान मोहतरम जनाब खदीजा उस अजीम हस्ती का नाम है सबसे बड़ी फजीला जनाब खदीजतल्कुब्रा के लिए यही है कि जनाब खदीजा की बेटी जनाब ज़हरा कि जिसके बारे में नबी अकरम इरशाद फरमाते हैं फातिमा तो हलिल जन्ना कि फातिमा औरतों की जन्नत की औरतों की सरदार हैं और जनाब खदीजा उसी औरतों के जन्नत की सरदार की माँ हैं और दूसरी जगह नबी अकरम क्या इरशाद फरमाते हैं अल जन्नत तहता अकदाम कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है तो सैदा की जन्नत जनाब खदीजतलक़ब्रा के कदमों के नीचे है सलवात फर्दे महम्मद वाल महमद पर ला मसल महम्मद वाल मोहम्मद तो अजीज़ आने मोहतरम जनाब खदीजा ने हर जमाने में नबी की मदद की यही वजह है कि रवायत में मिलता है कि जनाब खदीजतकबरा एक मरतबा घर पर तशीफ़ फरमा थी नबी अकरम घर पे तशरीफ़ लाए नबी अकरम के चेहरे से हजन नुमाया हैं महजून हैं जनाब रसूल ख़ुदा जनाब खदीजतकुब्रा ने देखा का अल्लाह के नबी अय अल्लाह के हबीब आखिर क्या वजह है आपके चेहरे से हसन नुमाया है आप महजून क्यों हैं आप गमज़दा क्यों हैं आप परेशान क्यों हैं अल्लाह के नबी ने कहा खदीजा क्या करूं कह आया हुआ है लोग परेशान हैं और हमारे पास इतनी दौलत भी नहीं है कि हम लोगों की मदद कर सकें तो जनाब खदीजा का बयान है जनाब खदीजत कुबरा कहती हैं जनाब खदीजतुल्कुबरा कि मैं क्या करूं मैंने पशेमानी के आलम में अपने सर को झुका लिया कि अल्लाह का हबीब कह रहा है हमारे पास माल दुनिया नहीं है हम किस तरीके से लोगों को इस कहस से निजात दिलाएं इतने में जनाब कुब्रा ने तमाम कुरैश के लोगों को बुलाया बुलाने के बाद से जनाब हजतुब्रा ने कहा अ लोगो आओ आने के बाद से हुक्म दिया कि हमारे पास जितने दरहम दीनार हैं दरहमो दीनार है, को लाया गया नबी अकरम बैठे हुए हैं नबी अकरम के सामने दरहमो दीनार की गठरिया खोली जा रही हैं इतनी ज़्यादा दरहमो दीनार की गठरिया खोली गई मिलता है तारीख में मिलता है कि इतनी ज़्यादा दरहमो दीनार की गठरिया खोली गई कि जो उस सामने बैठे हुए थे वो लोग दिल हम दीनार के ढेर से छुप गए और जनाब खदियतुल कुबरा ने लोगों को मुखातब करके एक जुमला कहा वो जुमला ये था एश के लोगो तुम देखो ये जो माल मैं कुर्बान कर रही हूँ राह खुदा में ये मेरा माल नहीं है मैं ये मोहम्मद का माल है और इसके मोहम्मद को अख्तियार है मोहम्मद चाहे इसे राह खुदा में खर्च कर दें मोहम्मद चाहे इसे कहीं भी खर्च कर सकते हैं मोहम्मद चाहें इसे खर्च ना करें इस पर मोहम्मद का है तो अली रान मोहतरम यही वजह है कि नबी को बर्जस्ता एक जुमला कहना पड़ा कि खदीजा उस जात का नाम है कि खदीजा जो आई हैं हम हम है तो खदीजा मुझसे कुछ लेने ले नहीं खदीजा ने दीन को दिया है खदीजा ने दीन को परवान चढ़ाया है सलवा मोहम्मद पर मोहम्मद अली रान मोहतरम आप देखें जनाब खदीजा ख़ुद जनाब खदीजा कितनी फजीलत की हामिल हैं और जनाब खदीजा की बेटी जनाब जहरा वो कितनी फजीलत की हामिल हैं आप ख़ुद देखें जिसकी बेटी इतनी बाफजीलत हो इतनी बाफीलत हो कि इंसान उसकी फजीलत को दर्क नहीं कर सकता उसकी माँ की क्या अजमत होगी जिस औरत का शौहर रहमतुल्लामीन हो जिस औरत का शौहर राममत लालमीन हो जिस औरत का शोहर ख़ातिमाबीन हो जिस औरत का शोहर ताहा हो जिस औरत का शोहर मम्मिल हो जिस औरत का शोहर मुदसर हो जिस औरत के शोहर के कौल के बारे में खुदा वंद आलम इर्शाद फरमाता है वमा अनिल हवा हुआ, इन वमांत कोआनआ वहीूह तो अली मोहरम उस शौरत की फ़जीलत क्या होगी इसीलिए नबी तो इशात फरमाएँ कि फ़जीलत खदीजतुल्कुब्रा कमाल की हद तक पहुंची हुई है और अली दान मोहतरम हमें जनाब खदीजा की जिंदगी से दर्स लेना चाहिए कि जनाब खदीजतल्कुबरा ने हमें क्या दर्स दिया आप देखें इस ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा ये बात को कहते हैं कि जनाब खदीजा रसूल की फ़लां फ़लाँ फ़लाँ बेटियाँ थीं इससे हमें कोई सरोकार नहीं है कि रसूल की कितनी बेटियाँ थीं लेकिन आप देखें जनाब खदीयतुल्कुब्रा की तरबियत किस अंदाज से थी कि जनाब खदीयतुल्कब्रा ने यतीमों का इस एतबार से ख्याल रखा इस एतबार से परवरिश की जनाब खदीजा ने कि लोग ये ना पहचान सके कि खदीजा की अपनी बेटी कौन है खदीजा की पराई बेटी कौन है तो अधीरान मोहतरम जनाब खदीजा ने हमें दर्श दिया कि यतिमों के साथ किस तरीके से दस्त शफकत के साथ इंसान पेश आए या तीमों का किस तरीके से ख्याल रखा जाए अगर कोई मांगने वाला आए तो जनाब खदीजा ने कभी उसे अब खाली हाथ वापस नहीं किया है जनाब खदीजा जो मलिकतुल अरब थी जो सैयद तो अरब के लकब से मशहूर थी रवायतों में मिलता है कि जब जनाब खदीजा का माल तजारत के लिए तजार जाया करता था तो तमाम कुफ्श का माल एक तरफ होता था जनाब खदीजतुलरा का माल एक तरफ होता था वो अरब रसूल के अखद में जब से आई जिसने जिंदगी भर नाज उठाए वो रसूल की खिदमत में आने के बाद खुद को रसूल की कनीज करार दिया और रसूल की ख़िदमत में मसरूफ हो गई जितना हो सके माल के जरिए से इस्लाम की मदद की रसूल की मोनिस थी रसूल की मददगार थी और यही वजह दीदान मोहतरम की खुदा वंद आलम ने जनाब रसूल खुदा को एक साल में जो जो तो सबसे बड़ी मुसीबत अता की है वो कौन कौन सी मुसीबत है वो वफात जनाब अबू तालिब है और वो वफ़ात जनाब खदीजतुल्कुबरा है कि रसूल इतना महजून हुए इतना महजून हुए अलीदान मोहतर माप आपने देखा होगा दुनिया में कि कोई मरता है किसी के घर में मैयत हो जाती है उसका गम तीन दिन पाँच दिन महीनों मनाया जाता है लेकिन जनाब खदीजा और जनाब अबू तालिब का जब इंतकाल हुआ रसूल इतने महजून हुए कि उस साल को आमुल हुजन का नाम दिया गया अदी मोहतरम रसूल बहुत महजून हुए जनाब खदीजा की वफ़ात से रसूल तन्हा हो गए और अधी मोहतरम आप देखें जो कल शब गुजरी है वो कौन सी शब गुजरी है वो शब गुजरी है कि जनाब जहरा सलाम अल्ह के सर से माँ का साया उठ गया जनाब तो जहरा यतीम हो गयी अजीद आने मोहतरम रसूल तनहा हो गए रसूल का जो मोनिस हमदम था वो रसूल को छोड़ के दार फानी से दार बका की तरफ चला गया हाँ अदीदान मोहतरम आप देखें रसूल कितना महजून है और अदीदान मोहरम जनाब बनीन के लिए जन्नत से कफ़न आए रवायतों में मिलता है रसूल ने जनाब उम्मुल बनीन को कफन दिया कफन देने के बाद नमाज जनाजा पढ़ाई बड़ी शान व शौकत के साथ उम्मुल बनीन का जनाजा उठाया गया रसूल कब्र में उतरे जनाब उमुल जनाब खजिजतलकुब्रा को सपुरद खाक किया मैं जनाब उम जनाब खजलकुब्रा से एक जुमला कहूँगा ए बीबी आप बड़ी नसीब थीं कि आपको रसूल ने व कफन दिया आपको ने ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई आपको रसूल ने सपुरद खाक किया लेकिन आप ही का नवासा होगा सनस्ट हिजरी होगी करबला का मैदान होगा इमाम हुसैन होंगे देखो तनहा होंगे हुसैन के शहादत के बाद हुसैन का लाशा बेगोरो कफन करबला के मैदान में पड़ा होगा कोई ना होगा जो हुसैन के गुस्ल देने वाला होगा कोई ना होगा जो हुसैन को दफन करने वाला होगा हुसैन की लाश है घोड़ों के टापें हैं आजीजान मोहतरम हुसैन की लाश को पामाल किया गया बेटा इतना मजबूर है हाथों में हथकड़ियां है पा पाओ में बेड़िया है गले में खारदार तोक है बाप का लाशा बे कफन पड़ा रहा बेटा मजबूर है जो बाप को गुसल कफन ना दे सका यही वजह है कि जब जनाब जैनब ने देखा कि सैयद सज्जाद का चेहरे का रंग मुतगैर है तो जनाब जैनब ने सैयद सज्जाद से कहा ए बेटा ऐसा लगता है कि तुम्हारी रूह खफस उन सरी से परवास कर जाए जैसे ही जनाबे दंडम ने चौथे माम से कहा, चौथे माम ने कहा, ए पुपी अम्मा क्या करूं मैं इतना मजबूर हूं कि बाप का लाशा बेगोरो कफन करबला की जलती ज़मीन पे पड़ा हुआ है, वा हुसैना, वा मद्लुमा, अल्लाह तुल्लाह लाकॉमिस ज़ालमी मस्से अल्लम लल्लदीन अदल्लम यमन क़लेबलियन